कि हम लोग को कोई बतावे वाला नहीं है कि का आवे योजना का नहीं आवे, हम लोग का यह मालूम नहीं पड़ पावे कि अपना से बताइए। यह समस्या है हमारे पेशेंट के पास, न तो हमें पेशेंट का मकान का मिलाया है, न लेटरिन का मिलाया है, न रास्ता मिलाया है, नहीं कुछ भी नहीं मिला है। ये है रीवा जिले के सगरा गांव का रहिया टोला, जहां शांति कोल, मनीषा कोल और गुड़िया कोल जैसे कई लोगों की शिकायत है कि पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा। इन लोगों को पानी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये हालात तब हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साल 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का दावा करते नहीं थकते और नल जल योजना को कामयाब साबित करते विज्ञापन भी जारी करते रहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में सरकार की योजनाएं डूबी हुई नजर आती हैं। वहीं रीवा जिले से विधायक राजेंद्र शुक्ला भी लोक यांत्रिक विभाग के मंत्री हैं और उनके क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल रही। कई गांव ऐसे भी हैं जहां के लोगों को सरकार की इन योजनाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच भी रहा या नहीं। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पोर्टल के मुताबिक पूरे देश में 50% लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा। इसीलिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार ने योजनाएं लाई। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर एक ग्रामीण परिवार को नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है। घर नहीं आ टूटा ही मड़ैया ही वही माँ रही रहना और पानी का नहीं आए आन के जाए थे पानी का वो न भराई दही तो का कर अब कहाँ जाब। यही है सड़क ही है कदय में मनाई चहला में घुस घुस रेंग रहन रोड नहीं आए। अब यही है समस्या सरकार से कि अब बनबा में रोड ओड मनाई चिकने में कुछ रहा है कदरी हो जाती गोड़े में। यह सुविधा घर कदाई दे मने थोका निकाहा में रहा है जानकारी नहीं आया। अब तक जानकारी रही तो भरन फार्म जो आ जाते आज ही नहीं आई तो हाउ अब मने लड़ाई थोड़ू जाई हुआ को नहीं आ बताई ना सरपंच ना सिकेटरी ना कोहू। रोड का पानी का यही समस्या है। घर का घर नहीं है सरकार दे रही कहाँ देर लागी जहाँ देर लाई तो है जहाँ नहीं आए तब का मने टुडे ही मड़ाई है ना दिखाओ आन के पानी भराई जाई थे ना भराई दही तो ऐसे घर भीतर मने प्यासर मारा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना था। अब यह योजना अपनी समाप्ति की ओर है। उसके बाद भी इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला। पानी का सुविधा नहीं है न रोड का सुविधा है ना तो घर के लिए सुविधा है नहीं कुलाने। ऐसे जब से आए जब से यही बना बना नहीं रह रहे हैं छा के हम लोग पानी नहीं मिला है अभी ये चीज। हमने फार्म डाले हैं जो आ जाए तो ठीक है नहीं अब क्या कर सकी थी ऐसे रहेंगे छा के। एक आग दर की मैंने डालवा वो फार्म तो नहीं आया है अभी वे दोबारा डाले हैं तो आ जाए तो ठीक है नहीं तो क्या करेंगे यही समस्या होने की। कब हूँ नहीं आए बोट बस का आवा थे सब लोग आ रहे हैं कि बोट भर के आ रही हैं कि हम ही बोट देना हम ही देना आओ नहीं जहाँ जीत गए तो कोई नहीं निहार रहा है कि कहा है कहा नहीं आए यह है लोग अभी तानी का हुआ नहीं भाया है जानकारी नहीं है तो कहाँ करें शिकायत बताई तब जानकारी नहीं है तो कहाँ से करें शिकायत। अब जानकारी मिला लागी तो मैं नहीं कर रहा हमें पानी को समस्या है रोड का समस्या है घर को समस्या है आवास नहीं पाए हम लोग
यही समस्या है हमारे पास। अरे हम लोग तो जब से आए 10-20 साल हो गए आए, तो यही समस्या तो चल रही है। फार्म तो डाले हैं, जो अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अब क्या करें, लोग ऐसे रहेंगे। सरकार की आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, या हर घर नल जल योजना, उन्हें इन तीन मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। अब ये तो पता नहीं कि सरकार ने कितने गांवों में जाकर अपनी योजनाओं की खोज खबर ली है। अभाव में जीने को मजबूर इन लोगों को क्यों नहीं मिला लाभ? सरकार के आंकड़े में सभी को घर मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आखिर ऐसा कैसे है कि सरकारी दावे धरातल में दम तोड़ देते हैं?